हाँ तो बच्चों, अब हम चैप्टर नंबर 7 में आगे बढ़ेंगे। धारा मापी को हम पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियोज में, दो प्रकार से अपने सिलेबस में दे रखी है। एक तो है तिलकित कुंडली धारा मापी और दूसरी है निलंबन कुंडली धारा मापी। ठीक बेटा, दोनों को पढ़ लिया। अब यहां पर आता है धारा मापी के साथ दो छोटे छोटे मान आते हैं, एक तो होती है धारा सुग्राहिता और एक होती है वोल्टता सुग्राहिता। ठीक बेटा, पहला जो पॉइंट ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं? धारा सुग्राहिता। ठीक बेटा, पहला पॉइंट कौन सा है? धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता के लिए पहले ये आता है कि भाई धारा मापी जो होती है वो सुग्राही धारा मापी कौन सी होती है, धारा मापी में से सुग्राही धारा मापी कौन सी है। तो देखो, सुग्राहिता किसे कहते हैं, पहले तो पॉइंट ये है, सुग्राहिता का मतलब होता है बेटा अच्छा मापन करना। सुग्राहिता का मीनिंग क्या होता है? अच्छा मापन करना। हम किसी भी भौतिक राशि का उसके मान का मापन कर रहे हैं, जितना अधिक यथार्थ जितना अधिक परिशुद्ध मापन उसका हम कर सकते हैं उस मान को उसका सुग्राही मान कहेंगे। तो जो धारा मापी है वो क्या करता है? विद्युत धारा का मापन करता है। धारा मापी क्या करता है? विद्युत धारा का मापन करता है। तो सुग्राही धारा मापी क्या हो गई भाई? सुग्राही धारा मापी हो गई वह धारा मापी जिसमें अल्पमान की धारा प्रवाहित कर दें। कैसे मान की धारा प्रवाहित कर दें? अल्पमान की। और अल्पमान की धारा प्रवाहित करने के बाद भी वह ज्यादा अधिक यथार्थ रीडिंग दे पाए, ज्यादा अधिक यथार्थ मापन कर पाए, तो उस धारा मापी को क्या कहेंगे? सुग्राही धारा मापी। और ज्यादा अधिक यथार्थ मापन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? धारा मापी में जो स्केल आता था मीटर या वृत्ताकार पैमाने पर, जैसे एक तो मैं यो कहूं कि 10 एम्पियर धारा प्रवाहित की और विक्षेप इतना आया यहां से यहां तक, केवल इतना सा। और दूसरी अवस्था में कह रहा हूं मैंने 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की और विक्षेप इतना आ गया इतनी रेंज का। तो अब देखो बेटा, सही से मापन किसमें हो पाएगा? इस 1 एम्पियर वाले में। सही से मापन किसमें हो पाएगा? 1 एम्पियर वाले में। तो जब सही से मापन 1 एम्पियर वाले में हो पाएगा तो यह दो धारा मापी होगी, तो एक नंबर की और एक कौन सी हो गई? दो नंबर की। ठीक है, तो जो दूसरे नंबर की धारा मापी ले रहे हैं यह धारा मापी कैसी रहेगी? ज्यादा अधिक यथार्थ और ज्यादा अधिक परिशुद्ध मानी जाएगी, है ना। तो ऐसी धारा मापी को कौन सी धारा मापी कह देते हैं? सुग्राही धारा मापी कह देंगे। जो ये हम दो नंबर में धारा मापी काम में लेंगे इसको कौन सी धारा मापी कह देंगे? सुग्राही धारा मापी। क्यों कहा, कैसे डेफिनेशन बनी? मान कैसा प्रवाहित किया धारा का? कम। इसकी तुलना में कैसा मान है? कम है। कम मान प्रवाहित करने पर, कम मान की धारा प्रवाहित करने पर विक्षेप जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है? अधिक। अल्पमान की धारा प्रवाहित की और अल्पमान की धारा प्रवाहित करने पर विक्षेप कैसा आ रहा है? अधिक आ रहा है। तो ऐसी धारा मापी को कौन सी धारा मापी कह देते हैं? सुग्राही धारा मापी। इस धारा मापी को कौन सी धारा मापी कह देंगे बेटा? सुग्राही धारा मापी, है ना। और जो यहां पर मान लिखेंगे धारा सुग्राहिता का, किसका मान लिखेंगे? धारा सुग्राहिता का, उसे लिख सकते हैं इकाई मान की धारा प्रवाहित करने पर। कैसे मान की धारा प्रवाहित करें बेटा? इकाई मान की धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में प्राप्त विक्षेप का मान। धारा मापी में प्राप्त किसका मान? विक्षेप का मान, क्या कहलाएगा? धारा सुग्राहिता। अब विक्षेप को धारा मापी में किससे मापा जाता है? ऐंठन कोण से। पहले जो आपको धारा मापी बताया उसमें बताया विक्षेप को किससे मापा जाता है? ऐंठन कोण से। तो जब विक्षेप को ऐंठन कोण से मापा जाएगा तो क्या लिख सकता हूं? धारा सुग्राहिता की डेफिनेशन, इकाई मान की धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में उत्पन्न ऐंठन कोण के मान को। इकाई मान की धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में उत्पन्न ऐंठन कोण के मान को। धारा
सुग्राहिता कहते हैं। ठीक बेटा, तो धारा सुग्राहिता का मान यहां से निकाल के चले क्या आएगा, अब मैं यहां से कर रहा हूं, धारा सुग्राहिता बराबर इकाई मान की क्या प्रवाहित की जा रही है, धारा। इकाई मान की क्या प्रवाहित की जा रही है, धारा। तो जिस किसी भौतिक राशि के सामने या उसके नाम के सामने इकाई लग जाता है उसका हमेशा क्या देते हैं, भाग। तो इकाई मान की धारा प्रवाहित करने पर तो नीचे तो क्या जाएगा बटे बेटा, विद्युत धारा। इकाई मान की प्रवाहित की है, प्राप्त कौन सा कोण, ऐंठन कोण का मान। प्राप्त कौन सा कोण बेटा, ऐंठन कोण का मान, क्या कहलाएगा, धारा सुग्राहिता कहलाता है। धारा सुग्राहिता को अपन एस आई से प्रदर्शित करते हैं। सुग्राहिता को क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी, क्या बोलते बेटा, सेंसिटिविटी। और आई से डिनोट करेंगे किसको, धारा को। तो धारा सुग्राहिता किससे लिख देंगे, एस आई से। और ऐंठन कोण क्या होता है अपने पास, फाई। और प्रवाहित धारा क्या होती है, आई। इक्वेशन नंबर क्या कह देता हूं इसको मैं, एक। इक्वेशन नंबर क्या कह देता हूं, एक। अब देखो धारा मापी से प्राप्त धारा का मान क्या आता है, धारा मापी से प्राप्त धारा का मान। तो धारा मापी से प्राप्त धारा का मान, धारा मापी से प्राप्त धारा का मान कितना होता है बेटा, हमने जो मैं आपको क्रिया विधि है उसका सिद्धांत लास्ट में निकला था, आई का मान प्राप्त होता सी फाइव बटे एन ए बी पहले वाले वीडियो में। तो आई का मान क्या आ रहा था बेटा, सी फाइव बटे एन ए बी। ठीक बेटा, तो आई का मान यहां पर रख सकते हैं हम समीकरण एक में। तो समीकरण एक में क्या कर देते हैं, मान रख देते हैं। तो मान रखने पर अब अपने पास देखो एस आई क्या आ गया, ऊपर तो फाई है बटे, बटे में ये मान आ जाएगा आई का, तो क्या आ गया बेटा, सी फाई बटे एन ए बी। देखो फाई से फाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एस आई बराबर क्या आ गया, एन ए बी नीचे कहां चला जाएगा, ऊपर। तो क्या आ गया बेटा, एन ए बी बटे में क्या आ गया बेटा, यहां पे क्या बचेगा, केवल सी। एन ए बी बटे में क्या हो जाएगा, सी। ये किसका मान आता है अपने पास, धारा सुग्राहिता का मान। ये किसका मान होता है, धारा सुग्राहिता का मान। अब इसी में एक चीज और, चूंकि के का मान क्या होता है, सी बटे एन ए बी। के का मान क्या होता है, सी बटे एन ए बी। जो हम परिवर्तन गुणांक काम में लेके चलते थे उस परिवर्तन गुणांक का मान क्या होता है, सी बटे एन ए बी। ठीक है बेटा, तो सी बटे एन ए बी जब परिवर्तन गुणांक आ रहा है, और यहां पे क्या आ रहा है, एन ए बी बटे सी। तो एस आई का मान क्या हो जाएगा, इस के का व्युत्क्रम कर दें, तो एस आई बराबर क्या आ गया, एक बटे के, या इसी को क्या लिख सकते हैं, एन ए बी बटे में सी। ठीक बेटा, ये क्या होती है, धारा सुग्राहिता का मान। या इसको हिंदी में लिखना चाहें तो धारा सुग्राहिता बराबर एक बटे क्या हो जाएगा, परिवर्तन गुणांक। ठीक बेटा, तो अगर अपने को परिवर्तन गुणांक का मान दे दिया जाए तो उसका व्युत्क्रम करने पर धारा सुग्राहिता का मान प्राप्त हो जाता है। परिवर्तन गुणांक का मान दे दिया जाए तो उसका क्या कर दें, व्युत्क्रम। और व्युत्क्रम करने पर किसका मान प्राप्त हो जाएगा, धारा सुग्राहिता का मान। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से सबसे पहले आती है धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता क्या होती है, अब मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं। तो पहले सुग्राही धारा मापी के बारे में लिखना पड़ेगा, और सुग्राही धारा मापी के बारे में कैसे लिखेंगे, जब अल्पमान की धारा प्रवाहित करने पर, जब अल्पमान की धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में प्राप्त विक्षेप अधिक हो, जब अल्पमान की धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में प्राप्त विक्षेप कैसा हो, अधिक हो, तो उसे सुग्राही धारा मापी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सुग्राही धारा मापी कहते हैं। तथा यहां धारा के मापे गए मान को धारा सुग्राहिता कहते हैं। ठीक बेटा, जो स्टार्टिंग से लाइन अगर बना के लिखनी पड़े तो कैसे लिखेंगे, जब किसी धारा मापी में अल्पमान की धारा प्रवाहित हो, जब किसी धारा मापी में अल्पमान की धारा प्रवाहित हो, और
धारा मापी विपराक विक्षेप अधिक हो तो उसे सुग्राही धारा मापी कहते हैं। कौन सी धारा मापी कहते हैं बेटा? सुग्राही धारा मापी, ठीक है। तथा धारा मापी के द्वारा मापे गए मान को धारा सुग्राहिता कहते हैं। अर्थात डेफिनेशन जो ये बन रही है, अर्थात इकाई मान की धारा प्रभावित करने पर, अर्थात में क्या लिखेंगे, इकाई मान की विद्युत धारा या धारा प्रभावित करने पर धारा मापी में प्राप्त विक्षेप को कोष्टक में लिख देंगे ऐंठन कोण को। धारा मापी में प्राप्त विक्षेप को कोष्टक में क्या लिख देंगे? ऐंठन कोण को धारा सुग्राहिता कहते हैं। तो धारा सुग्राहिता क्या हो गया बेटा? इकाई मान की धारा प्रवाहित की, ऊपर क्या आ गया? ऐंठन कोण आ गया। सुग्राहिता को सेंसिटिव भी बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ऐसे एस और किसके लिए ले रहा हूं? धारा के लिए आई हो गया। ऐंठन कोण क्या होता है? फाइव। और विद्युत धारा क्या होगी? आई। धारा मापी से जो प्राप्त धारा का मान क्या होता है बेटा? वो क्या होता है? सी फाइव बटे एन ए बी। ये जो मान है इसको समीकरण नंबर किसमें रख देंगे? एक में। तो फाइव से फाइव कट गया और एन ए बी कहां चला जाता है? ऊपर। तो ऐसा ही बराबर क्या एन ए बी बटे सी। के का मान जो परिवर्तन गुणांक है, हमने निलंबन कुंडली धारा मापी और तिलकित कुंडली धारा मापी दोनों में देखा क्या आता है? सी बटे एन ए बी। तो अपने पास मान क्या रहा है? एन ए बी बटे सी। हम इसका उल्टा कर दें तो एक बटे के हो गया, एक बटे के या एन ए बी बटे सी। ये किसका मान आता है बेटा? धारा सुग्राहिता का मान। इसको सीधा लिखना चाहे तो धारा सुग्राहिता क्या होती है? एक बटे परिवर्तन गुणांक, यानी कि अपने पास परिवर्तन गुणांक का व्युत्क्रम कर दें। किसका व्युत्क्रम कर दें बेटा? परिवर्तन गुणांक का व्युत्क्रम कर दें तो धारा सुग्राहिता का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक बेटा, उतार लो इसको।